नहीं नहीं में जेल में एक ऐसी चीज मिलाकर लगा रही हूँ गोरा हो गया है आज की वीडियो में मैं हंड्रेड परसेंट एक्सपीरियंस किया हुआ फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसे मैं यूज कर भी रही हूँ और कमाल के रिजल्ट भी मिल रहे हैं अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे और बहुत देर हो जाएगी तो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि क्यों देर हो जाएगी तो आपको बहुत ही आसान फार्मूला बताने वाली हूँ सर्दियों में आप अपने रंग को किस तरह गोरा कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि कोरियन ग्लास स्किन सीक्रेट एक्चुअल है क्या वो तो क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं आपको आपके घर पे मिलेगी कि आपको इसमें कौन सी चीज को ऐड करना है और बहुत अच्छे से आपने क्रीम बनाकर तैयार करनी है जिसे आप सर्दियों में यूज करेंगे और इसके रिजल्ट आपको दो से तीन दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे यह रेमेडी बहुत ही कमाल की होने वाली है तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपने इस वीडियो को किस तरह से इस रेमेडी को बनाकर यूज करना है तो चलिए जल्दी से इस रेमेडी को बना लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे एक तीन बाउल अब हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये हमारी स्किन पर बहुत ही कमाल का ग्लो लाती है और हमारी स्किन को करती है फेयर और बहुत ज़्यादा ब्राइट तो यहाँ पर मैंने इसमें टू टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई भी लम्ब वग़ैरह नहीं होना चाहिए आपने उसे अच्छी तरह से बनाकर यूज़ करना है अगर आपके पास बाज़ार की अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हनी यानी कि शहद ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये हमारी स्किन से डेड स्किन लेयर को रिमूव करता है हमारी स्किन से पिगमेंटेशन एंड रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो अब हम इसे यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें यहां पर अब मैंने लिया है हाफ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यह भी हमारी स्किन के लिए बहुत वरदस्थ है यह हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है इसे भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये एक क्रीमी फॉर्म में आ गया है अभी हमारी रेमेडी कंप्लीट नहीं हुई है इस रेमेडी को आप सिर्फ और सिर्फ दो, सिर्फ दो से तीन दिन के लिए रेगुलर यूज करके देखें आपको इसके कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके फर्स्ट यूज से ही आपके फेस पर बहुत ही कमाल का ग्लो आएगा और आपकी स्किन ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएगी और चंद दिनों के अंदर ही कोरियन लड़कियों की तरह आपकी स्किन ग्लास स्किन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है फोर से फाइव टेबल स्पून मैंने रॉ मिल्क लिया था और इसमें वन टेबल स्पून मैंने व्हीट फ्लोर ऐड किया था गेहूँ का आटा कह लें या व्हीट फ्लोर तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक और क्लीन बाउल और इसे अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना सेम आपने इसी तरीके से इस रेमेडी को बनाकर यूज करना है तो ये देखिए यहां पर ये मेरे पास तकरीबन थ्री टेबल स्पून निकल चुका है अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए तो ये देखिए यहां पर मैंने इसमें थ्री टेबल स्पून कर दिया है तो ये यहाँ पर ये हमारी बहुत ही जबरदस्त रेमडी बनकर तैयार हो चुकी है अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं इसे आपने एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देना है और जब आपने इसे यूज करना है उससे एक घंटा आपने इसे फ्रिज से निकाल कर रख देना है तो रात को सोने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करके अपने फेस पर अपने हाथों और पैरों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है और सुबह आपने नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इसके कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्किन पर बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आएगा और आपकी स्किन चमकती धमकती नजर आना शुरू हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त ग्लो आया है और मैंने अपने हाथ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाई ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमडी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज